हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हाँ, खाली सब्सक्राइब बटन दबाने से भी काम नहीं चलेगा, उसके पास एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज मैं जिस विषय को लेके आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, थ्रू द ऑगस्ट, ये आपका करियर को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट दे सकता है अगर इस करियर प्लानिंग के हिसाब से आप अपना मैनुअल को फॉलो करें। चाहे आप किस क्वालिफिकेशन का भी हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप ट्वेल्थ हो, इसके कई मतलब ऑल द थिंग्स लाइक हर क्वालिफिकेशन के लिए, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, चाहे आप फ्रेशर्स हो, मैं एक अगस्त मंथ का करियर प्लानिंग आपको एविएशन का बना दे रही हूँ फॉर द विस्तारा एयरवेज वैकेंसीज के बेस पे। यस, विस्तारा एयरलाइंस का इंटायर जो अगस्त का इंटायर तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि 15 अगस्त के बाद का नहीं है, यहाँ पर कुछ चीज़ 12 अगस्त तक है, उसके बाद डेफिनेटली अपडेट करेंगे कंपनी। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, बट स्टिल आप अपना एक करियर प्लानिंग कर सकते हैं इस वीडियो के मदद से। ये वीडियो एंड होते होते आप तो एक पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप विस्तार एयरलाइंस में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो अपना करियर को आगे ले जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ एक्सपीरियंस केबिन क्रू, इन लोगों के लिए। कई स्टूडेंट ऐसा है जो एक साल या दो साल कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरलाइंस में ऑलरेडी केबिन क्रू का एक्सपीरियंस आपने कर लिया है, या तो फिर अपने एक नया करियर बनाने के सोच रहे हैं विद विस्तारा एयरवेज, उनके लिए मैं बताऊँ, वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हो रहा है एवरी वेडनेसडे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे एंड पब्लिक हॉलीडे। इनका 10 बजे से 1 बजे तक आपको जाना पड़ेगा। विस्तारा एयरलाइंस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है आपका एमआर डिजिटल ग्रीन सेक्टर 61 के सेकेंड फ्लोर में। यहाँ पर जाके आपने अपना ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए एंड डेफिनेटली आपके लिए कुछ नया मौका इंतज़ार कर रहा है। अभी मैं आ रही हूँ केबिन क्रू फ्रेशर्स का वर्क इन इंटरव्यू के लिए। अभी से जो इंटरव्यू अभी बचा है, इसमें से आपका एक 5 अगस्त एक वर्क इन इंटरव्यू है हैदराबाद में, बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2, एंड इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हैदराबाद हयात पैलेस बंजरा हिल 1 पर। टाइम है 10 से 2 बजे। 12 अगस्त है पुणे में, इसका जो वेन्यू है अभी तक दिया नहीं गया है, वहाँ पे लिखा हुआ है टू बी कन्फर्म्ड, 10+2 है इसमें भी। देखिए, इसमें एक बात अभी इस बार दिया गया है कि 10+2 में आपको मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। लड़कियों के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर मिनिमम, लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर। BMI रेंज फॉर गर्ल्स 18 to 22, फॉर बॉयज़ 18 to 25। एज होगा 18 to 32 ईयर्स। डेफिनेटली 32 ईयर्स जिनके लिए है, उनका एक्सपीरियंस चीफ केबिन क्रू एंड ये सब पोस्ट के लिए है। सेकेंड पार्ट इज दैट फॉर द पायलट्स के लिए भी वैकेंसीज है एवरी ट्विस्ट एंड थर्सडे। जो बात मैं बोल रही थी, एवरी ट्विस्ट एंड थर्सडे विस्तारा का जो ट्रेनिंग सेंटर है एमआर हाउस, जिसके अभी भी मैंने आपको बताया है एमआर डिजिटल ग्रीन्स, यहीं पे आप जाके अपना ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर द ग्राउंड क्रूज, द ग्राउंड स्टाफ एंड द सिक्योरिटी पर्सनल, इनके लिए भी इस तरह के वैकेंसीज है। इन्होंने क्या किया है, एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर दे दिया है। आप विस्तारा के वेबसाइट में जाइए एंड उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप करिए एंड वहीं से आपको डेफिनेटली कॉल आएगा एंड फर्दर प्रोसेस के लिए बोला जाएगा। ये हो गया एक इंटर प्रोसेस। बट हाँ, ग्राउंड क्रूज के लिए आपको ग्रेजुएशन होना मस्ट है। इंग्लिश एंड हिंदी में आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। केबिन क्रूज के लिए भी इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। सो इसीलिए इंग्लिश कम्युनिकेशन को बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए। अगर आप इसमें इतना अच्छा नहीं है तो इसके ऊपर काम करिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करिए। मैंने एक ओवरऑल गाइडलाइन आपको दे दिया कि कैसे विस्तारा में आप प्रोसीड कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई भी इंक्वायरी होगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं। माई मेल एड्रेस इज capt.satabdi@gmail.com। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।